लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने 5 क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे, जिनको आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला था। उनका सोल्यूशन अभी यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप चेक करो। एक एक करके मैं क्वेश्चन को, पांचों क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। फोर ब्लॉक्स आर अरेंज्ड ऑन अ स्मूथ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सर्फेस एज शोन। द मासेस ऑफ अपर ब्लॉक्स आर स्मॉल एम एंड लोअर ब्लॉक्स कैपिटल एम। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अपर एंड लोअर ब्लॉक्स इज म्यू। बोथ द अपर एंड अपर ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग हैविंग इनिशियल जीरो टेंशन। फॉर ऑल ब्लॉक्स टू मूव विद द सेम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन द राइट ब्लॉक इज। सो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए आप मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकते हैं, ये पूछा है उन्होंने। तो पहला चीज तो है कि अगर कॉमन एक्सेलरेशन है, तो सिंस अगर मैं इनको कॉम्बाइंड मास सिस्टम की तरह देखूं, चारों ब्लॉक को एक साथ कॉम्बाइंड मास सिस्टम की तरह देखें, तो यहाँ पे तो लोअर सर्फेस स्मूथ है, तो लोअर सर्फेस स्मूथ है और टेंशन एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और ब्लॉक्स के बीच में भी जो फ्रिक्शन आएगी वो भी इंटरनल फोर्स हो जाएगी। तो इसीलिए अगर मैं कॉम्बाइंड मास सिस्टम मतलब चारों को ब्लॉक को मिला के एक सिस्टम की तरह सोचू, तो इस केस में एक कॉमन एक्सेलरेशन होगी सभी की, एंड दैट कॉमन एक्सेलरेशन विल बी एफ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम फोर्स बाय टोटल मास कर दिया है, ठीक है। अब आपके पास जब फ्रिक्शन को एनालाइज करना है, तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है आप ये सोच के देखो। मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते थे कि इंडिविजुअली जैसे इस इंटरफेस पे ब्लॉक्स को अलग करते, मतलब लेफ्ट साइड के इंटरफेस पे ब्लॉक्स को अलग करते क्योंकि फ्रिक्शन वहां का ही देखना है आपको, और या फिर राइट साइड के ब्लॉक सिस्टम के लिए यहाँ पे सिस्टम को अलग करते, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन आपको एनालाइज करनी है, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे सेपरेट करना पड़ेगा ब्लॉक्स को, आपस में कॉन्टेक्ट को छुड़वा के फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो जैसे राइट साइड वाले सिस्टम की बात करते, राइट साइड वाला जो एम और एम ब्लॉक सिस्टम है उसकी पहले बात करते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम, कैपिटल एम ट्राइज टू मूव फॉरवर्ड एंड देयरफॉर फ्रिक्शन विल एक्ट बैकवर्ड्स ऑन कैपिटल एम। तो यहाँ पे मैं इस लोअर ब्लॉक पे यहाँ पे फ्रिक्शन कैपिटल एम पे लेफ्ट की तरफ दिखा रहा हूँ, इसको F1 कह लेते हैं, एंड सेम फ्रिक्शन रिएक्शन पेयर की तरह ये स्मॉल एम पे राइट की तरफ लगेगा, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो स्मॉल एम को एक्सेलरेट कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो फ्रिक्शन F1 है, वो कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इनको इनको सोचो, इन सारे ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक सिस्टम की तरह देखते हो, ये वाला मतलब कैपिटल एम लेफ्ट वाला, स्मॉल एम लेफ्ट वाला एंड स्मॉल एम राइट वाला, अगर इनको मिला के एक सिस्टम की तरह देखा जाए, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंसिडरिंग स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ऑन लेफ्ट एंड स्मॉल एम ऑन राइट टुगेदर एज अ सिस्टम, टुगेदर एज अ सिस्टम, तो उनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसा दिखना है सिनेरियो मेरे लिए। इधर पे एक सिंगल ब्लॉक बना देते हैं एम प्लस एम का, दिस इज एम प्लस एम एंड ये कनेक्टेड है यहाँ पे इस ब्लॉक के साथ, दिस इज स्मॉल एम, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रही है, दिस इज F1, टेंशन की अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा सिस्टम के लिए, यहां से mg डाउनवर्ड्स है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन N1 है, इधर से भी आपका एम प्लस एम इंटू जी होगा और यहां से भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, बट इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे जनरेट नहीं हो रही कि ग्राउंड सरफेस स्मूथ है। तो अब ये पता है आपको कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है वही कॉमन एक्सेलरेशन से जो आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इस कॉम्बाइंड मास सिस्टम के लिए द ओनली फोर्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज F1, सो देयरफॉर आप कंडीशन क्या लगाओगे, F1 शुड बी इक्वल टू टोटल मास व्हिच इज 2m प्लस m and multiplied by common acceleration. And आपको पता है कि ये friction हमेशा limiting value से कम आना चाहिए. So this should be less than or equal to mu times of small m into g. क्योंकि normal reaction वहाँ पे small m into g आ रही है. तो यहाँ से value लिखें तो 2m plus m into common acceleration which is f by 2 times of small m plus capital. And this should be less than or equal to mu times of mg. So therefore f की वैल्यू जो आ रही है दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू इनटू एम प्लस एम इनटू एमजी एंड डिवाइडेड बाय 2m प्लस एम।
तो ये आपका फोर्स मैक्सिमम फोर्स फोर्स अगर कह रहे हैं इससे छोटा होना चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा वही 2 म्यू m प्लस m इनटू mg डिवाइडेड बाय 2m प्लस m. अब ऑप्शंस देख लेते हैं एक बारी 2 म्यू इनटू mg इनटू m प्लस m बाय 2m प्लस m ऑप्शन 1 ही मैच कर जा रहा है सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज फॉर्मड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m. फाइंड टेंशन इन द रोप व्हेन इट इज प्लेस्ड ओवर अ हेमिस्फेरिकल स्मूथ सरफेस ऑफ रेडियस r. एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रख दिया गया है, हेमिस्फेरिकल सरफेस पे रख दिया गया है एंड उसमें हमें टेंशन की वैल्यू पूछी गई है. ऑब्वियसली जब आप एक एक सरफेस है उस सरफेस के ऊपर ऐसे एक चेन प्लेस करोगे तो वो क्या होगा, स्प्रेड आउट होना चाहेगा. बट जो सिंस स्फीयर का जो सरफेस है जहां पे वो प्लेस्ड है वो काफी बड़ा सरफेस है तो वो उसको स्लाइड करने नहीं देगा, तो स्लाइड करने नहीं देगा तो क्या होगा, वो स्ट्रेच आउट हो जाएगा, तो मतलब बेसिकली स्ट्रेस में आ जाएगा, तो वहां पे टेंशन एक जनरेट होगी. अब वो टेंशन ही हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसमें पहले सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक बार पता करते हैं कि एंगुलर पोजिशन यहाँ पे सेंटर पे वो कितना लूप सबटेंड करेगा सर्कमफेरेंस वाली पॉइंट. तो जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, ये चेक करो, ये रेडियस कैपिटल आर है जो दे रखा उसने, हेमिस्फीयर की रेडियस आर है एंड लूप की रेडियस स्मॉल आर है. ठीक है, तो ये वाली एंगल अगर आप देखोगे वर्टिकल के साथ थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा इज बेसिकली स्मॉल आर बाय कैपिटल आर. ठीक है, दिस इज अ नोन डेटा फॉर यू, थीटा इज नॉट एन अननोन क्वांटिटी, थीटा इज अ नोन क्वांटिटी फॉर यू. अब आप क्या करो, अब आप देखो इसमें से ये जो रोप है वो रोप का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करो, कंसिडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट विच लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस, वेरी छोटा सा वेरी स्मॉल एलिमेंट. ठीक है, उस छोटे से एलिमेंट के लिए अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, ये पहला वाला पार्ट करें, ठीक है, कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ रोप लाइंग ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इसको एक बार कंसिडर करें. तो जैसे ये मान लो आपका एक ये मान लो हमारा हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर पे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मैंने दिखा रखा है, ठीक है, ये रोप का, ठीक है, दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रोप. और इस एलिमेंट के लिए मैं जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, नाउ दिस एंगल इज ऑलरेडी थीटा, दिस इज नोन टू यू, ठीक है, एंड ये छोटा सा एलिमेंट है, ध्यान रखना इसमें से ये मतलब कैसे समझो इसको आपको, इसमें से ये ऐसा एक लूप है, ये ऐसा लूप है, ऐसा लूप है और इस लूप का एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज अ वेरी स्मॉल सेगमेंट लाइंग ओवर हियर, यहाँ पे है वो एक सेगमेंट. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ऐसा नहीं है, रोप का जो मतलब जैसे अगर मैं एक छोटे से स्ट्रिंग का लेंथ का कंसिडर कर रहा हूँ तो इसमें ऐसे सोचो इसका टॉप व्यू अगर देखोगे तो ऐसा दिखना है, ऐसा कर्व दिखेगा यहाँ पे. ठीक है, तो इसमें इधर से भी टेंशन होगा और इधर से भी टेंशन होगा, तो ऐसे देखेंगे तो इधर से एक पुलिंग फोर्स आएगा और इधर से एक पुलिंग फोर्स आएगा, वो इस डायग्राम में दिखा नहीं सकते, उसी का टॉप व्यू अलग से ड्रॉ करेंगे. ठीक है, उसका अलग से एक टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे. तो अगर आप दिखाओगे इसका, इसी का एक टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टॉप व्यू दिख रही है हमें, तो टॉप व्यू में हमें ऐसा दिखना है यहाँ पे, ये ऐसा ये रोप का वो एलिमेंट है. ठीक है, एंड इसको एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख,
ग्यारह, तो इसमें इस तरफ एक टेंशन होगी टी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप बोलो, तो यहाँ पे टेंशन होगा जो अलोंग द टेंजेंट होगा। सिमिलर तरीके से इधर से भी एक टेंशन होगा जो अलोंग द टेंजेंट होगा। ये वाली एंगल बहुत ही छोटी सी एंगल है, इसको मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, मतलब ये अल्फा जो है वो एलिमेंट सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, सेंटर ऑफ लूप पे, मतलब यहाँ पे कहीं इसका सेंटर अगर है, दिस इज द सेंटर, तो ये सेंटर पे वो एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, ठीक है। अब इस पे अगर आप देखोगे तो यहां से अगर मैं एक बाइसेक्टर लाइन खींचता हूं तो ये एंगल अल्फा बाई टू होगी और इधर से भी अल्फा बाई टू होगी, ठीक है, दिख रही है आपको, और इधर से भी अल्फा बाई टू होनी है, इधर से भी अल्फा बाई टू होनी है, ठीक है। तो अगर आप टेंशन का कंपोनेंट देखोगे, इधर जो आ रही है टुवर्ड्स दी सेंटर, मतलब टुवर्ड्स दी सेंटर नहीं बोलना चाहिए एग्जैक्टली, बट ऐसे बोलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मतलब इन दी, मतलब कैसे बोले इसको, जो सेंटर से मैंने बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ किया था उसके पैरेलल एक कंपोनेंट आप कंसिडर करो, तो ये हो जाएगा आपका टी साइन ऑफ अल्फा बाई टू, और इधर से भी जो कंपोनेंट आएगी दैट विल आल्सो बी टी साइन ऑफ अल्फा बाई टू, टी कॉस ऑफ अल्फा बाई टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो दोनों आपस में ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो नेट जो कॉम्पोनेंट टुवर्ड्स दी सेंटर आ रही है, नेट कॉम्पोनेंट जो टुवर्ड्स दी सेंटर आ रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी टू टी इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई टू, ठीक है। बट सिंस अल्फा बहुत छोटा है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो, दिस इज टी इंटू अल्फा बाई टू, मतलब टू टी साइन अल्फा बाई टू को आप लिखेंगे टू टी इंटू अल्फा बाई टू, एंड टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, टी अल्फा हो जाएगा। ये रीजन हमने क्या जस्टिफाई करेंगे, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, सो साइन अल्फा एंड अल्फा ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन को हमने यूज किया है। अब इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये सोचो बैलेंस कौन करेगा, यहाँ पे इस एलिमेंट पे इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो इस एलिमेंट पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। इस नॉर्मल रिएक्शन को हम डी एन कह लेते हैं, डी एन क्योंकि वो छोटे से एलिमेंटल एलिमेंटल रोप पे है, पूरे रोप का नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, पूरे रोप पे तो ऐसे हर एक जगह पे ऐसे 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 लग रहा होगा, तो एक फाउंटेन का शेप का एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, मतलब समझ आ रही है आपको, एंड उन सब का वेक्टर सम जो है ऊपर की तरफ आएगा, वो एक अलग चीज है। बट अगर आप नॉर्मल रिएक्शन अगर आप निकालोगे इसमें एक छोटे से एलिमेंट पे, तो वो डीएन ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये डीएन के साथ अगर आप देखोगे तो इधर पे एक एंगल थीटा बन रही है, और इधर से एक इसकी खुद की वेट होगी जो कि डी एम इंटू जी होगी, और इधर से एक फोर्स आ रही है जो टुवर्ड्स द सेंटर आ रही थी, याद करो ये हमने निकाला है टी इंटू अल्फा निकाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस इसका ही बैलेंसिंग का काम करना है, ठीक है। यस जस्ट सपोज टू कंसीडर द बैलेंसिंग ऑफ दिस सिचुएशन। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहां से, जैसे अगर आपको पता है कि किसी भी तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो है, तो किसी भी दो का वेक्टर सम तीसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, तो कॉमन सेंस ही कहता है। तो टी अल्फा और डीएमजी इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, टी अल्फा और डीएमजी इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो ऑब्वियस है, वो डीएन के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होनी चाहिए आपकी, सॉरी ये एंगल भी आपकी थीटा होनी चाहिए, देखो डायग्राम में थीटा होनी चाहिए। तो अगर ये डायग्राम में एंगल थीटा है, तो टैन थीटा की वैल्यू अगर आप लिखते हैं, तो टैन थीटा की वैल्यू आती परपेंडिकुलर विच इज टी अल्फा एंड डिवाइड बाय बेस विच इज डीएम इनटू जी आ जाएगा, ठीक है। अब डीएम उस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है वो पहले निकालना है, डीएम उस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा कैसे निकालेंगे, देखो पूरे रोप का आपको लेंथ पता है और उसका मास भी पता है, पूरे रोप का लेंथ कितना है 2πr, तो 2πr लेंथ के लिए मास इज m, और ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पे बनाया था, ये छोटा सा एलिमेंट जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये वाली एलिमेंट, तो ये वाली एलिमेंट का जो लेंथ था वो कितना था r into alpha, ये देखो ये वाली जो लेंथ है, ये चेक करो ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है r into alpha, सॉरी स्मॉल r होगा, रेडियस स्मॉल r दी हुई है इसकी, r into alpha होगी। तो इसकी अगर लेंथ पता है तो ऑब्वियसली उसकी मास भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ करके यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके लिए, दिस विल बी टी इंटू अल्फा एंड डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो एम बाय टू पाई आर, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसका लेंथ विच इज आर अल्फा एंड इंटू जी कर लेंगे। यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जा रही है, यहाँ से अल्फा कैंसिल आउट हो जा रहा है,
एंड टेंशन की वैल्यू आपको मिल जा रही है, टेंशन इज कमिंग आउट बी एम जी टैन थीटा एंड डिवाइडेड बाई टू पाई आ रही है, एंड टैन थीटा तो ऑलरेडी आपको नोन है क्योंकि थीटा आपको ऑलरेडी नोन है, देखो यहाँ पे डायग्राम में ये वाली लेंथ कितनी है, दिस इज रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, सो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर बेस बाय स्मॉल आर बाई, सो इसको लिख सकते हैं एम जी इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई टू पाई कर लेंगे, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, सो दिस इज द टेंशन इन द रो, ठीक है। ये पहले वाले पार्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरे पार्ट करते हैं। इफ द लूप इज स्टार्टेड स्पिनिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर व्हाट विल बी द न्यू टेंशन, न्यू टेंशन अब निकालना है। अब इसको एक सर्कुलर स्पिन भी दे दिया उन्होंने, सर्कुलर स्पिन भी दे दिया है। अब अगर सर्कुलर स्पिन दे दिया तो ऑब्वियसली पहले जो था वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो एलिमेंटल मासेस हैं उसको अब सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो ये जो टी अल्फा जो हमने यू नो सेंटर की तरफ निकाला था ये अब जो है, पहले क्या था कि इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें क्या दिख रहा था, जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे जो हमने पहले ड्रॉ किया था उसमें आप क्या कर सकते थे, डीएन के कॉम्पोनेंट्स ब्रेक कर सकते थे, डीएन कॉस थीटा ऊपर की तरफ एंड डीएन साइन थीटा आपका नीचे की तरफ तो टी अल्फा जो है वो डीएन साइन थीटा से बैलेंस था पहले, बट अब क्या है टी साइन अल्फा जो है वो डीएन साइन थीटा से बैलेंस नहीं होगा, वो क्या होगा अनबैलेंस होगा, क्योंकि टी अल्फा माइनस डीएन साइन थीटा वो क्या होगा सेंटर की तरफ उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में चला जाएगा। तो इस केस में बस वही चेंज आपको दिखाना है कि यहां पे जब आप लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं तो वो जो एलिमेंटल मास हमने कंसिडर किया था इसी को अगर मैं सोचूं, अच्छा यहाँ पे ठीक है एक ही बात है, तो ये एलिमेंटल मास जो था हमारा, ठीक है ये एलिमेंटल मास इधर से, अब नई टेंशन है तो इसको टी डैश मान लेते हैं, टी डैश कुछ हो जाएगा, इधर से भी टी डैश आएगा, ये इसका सेंटर था, इस टेंशन का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, ये ऑलरेडी मैंने प्रूफ किया था लास्ट टाइम, तो इसको भी यूज कर रहे हैं तो ये आ जाएगी टी डैश इनटू अल्फा, ठीक है दिस एंगल इज अल्फा ओवर हियर, तो टी डैश अल्फा इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड इस तरफ जो फोर्स आ रहा था दैट वाज डी एन साइन ऑफ अल्फा साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, डी एन साइन थीटा था, देखो ठीक है डी एन साइन थीटा, बट इस बार ये क्या है सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है इसके पास, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितनी होगी इसकी ओमेगा स्क्वायर इनटू आर होगी, क्योंकि आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका, मतलब जिस पाथ में वो घूम रहा है, तो इस बार लिखोगे तो आप लिखोगे टी डैश अल्फा माइनस डी एन साइन थीटा इज इक्वल टू डी एम उसका मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो डी एम जी इक्वल टू डी एन कॉस थीटा आप अभी भी लिख सकते हैं, तो डी एन कॉस थीटा की वैल्यू को अभी भी आप डी एम इंटू जी लिख सकते हो, ठीक है, तो डी एन कॉस थीटा एंड डी एन साइन थीटा, अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे, अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ पहले, इसके पहले से देखो इसी इक्वेशन को अगर एक बार रीअरेंज करें तो टी डैश इंटू अल्फा की वैल्यू जो आ रही है दैट इज डी एन साइन थीटा प्लस डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ रही है, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली करने का मतलब क्या है जैसे अगर सोचो आप जैसे अगर आप इसको रोटेटिंग फ्रेम से अगर देखते हैं तो रोटेटिंग फ्रेम से देखने पे आपको ये एक्सेलरेशन नहीं दिखता, आपको क्या दिखता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ दिखता, तो बाहर की तरफ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता वो कितना हो जाता डी एन साइन थीटा के साथ साथ एडिशनली आपको डी एम ओमेगा स्क्वायर आर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, तो डायरेक्टली वैसे भी कर सकते थे कि मतलब आप अपने आपको रोटेटिंग फ्रेम में इमेजिन करते तो फिर उस केस में डी एन साइन थीटा के साथ साथ आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ डी एम ओमेगा स्क्वायर बार बाहर की तरफ लगाना पड़ता और उसके बाद का कैलकुलेशन तो बिल्कुल वही है, तो ये आपकी दूसरी क्वेश्चन हो गई, तो इन दोनों से अब आप क्या कर सकते हैं यहां से यू नो जस्ट जैसे पिछली बार हमने क्या किया था टैन थीटा की वैल्यू निकाली थी मतलब डीएन को एलिमिनेट करके, तो वैसे ही सेम चीज आप यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे इस बार क्या आ रही है देखो इस तरफ आ रही है आपके पास यहाँ पे आपके पास आ रही है डी एन साइन थीटा एंड डी एन कॉस थीटा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं ठीक है, ये टैन थीटा में मिल जाएगी, तो ये वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं डी एन साइन थीटा इज टी डैश अल्फा
माइनस ऑफ डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर एंड डिवाइडेड बाय डीएम इंटू जी लिख सकते हैं। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें फिर से वैसे ही, तो टी डैश इंटू अल्फा माइनस डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मास पर यूनिट लेंथ विच इज टू पाई आर इंटू अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ विच इज टू पाई आर इंटू आर अल्फा, ये हो गई मास इंटू जी। अब यहां से अल्फा तो सब में कॉमन है, कैंसल आउट हो जाना है यहाँ पे, और यहां से अब आप टी डैश की वैल्यू को बता सकते हैं। तो टी डैश की वैल्यू आ रही है एम जी टैन थीटा डिवाइडेड बाय टू पाई स्मॉल आर एंड प्लस एम बाई टू पाई आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, अच्छा एक आर कट जाएगा यहाँ से, एम बाई टू पाई रहेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। That's it. So this becomes mg को m by 2 pi r, इसको कॉमन आउट कर लें तो हो जाएगा tan theta, g tan theta रहता है, g tan theta and plus omega square into r square लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A small hoop of mass m is given an initial velocity of v naught on the horizontal circular ring of radius r. If coefficient of kinetic friction is mu k, the tangential acceleration of the loop immediately after release is. इस लूप की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो, सिंस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जैसे ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप एक रिंग है और इस रिंग में एक बीड डाल रखा है, उसको हुप बोल रखा उन्होंने, तो हुप की तरह है, मतलब एक मोती की तरह आप सोचो, और उसको वहां पे एक वेलोसिटी देके उन्होंने छोड़ दिया है। तो इसमें अगर मैं यहां से, अगर सोचो एज एन ऑब्जर्वर मैं इसको यहां से देख रहा हूँ, ठीक है, यहां से देख रहा हूँ, तो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट कैसा बन रहा होगा, मैं जस्ट उसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप ये सोच के देखो, जैसे ये सोचो ये आपका ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग का क्रॉस सेक्शन है, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ रिंग एंड इसके ऊपर में आपका हुप है, ठीक है, ये हुप है इसके ऊपर, बट ये हुप तो ऐसे हवा में फ्लोट नहीं कर सकता, ये हुप, ये हुप क्या होगा, जैसे अगर अगर इमेजिन करो कि जैसे ये अब सोचो कि ये वो रिंग का क्रॉस सेक्शन है जो आपके सामने में है, ठीक है, एंड इसके ऊपर मैं अगर ये हुक को अगर डाल देता हूँ, ठीक है, हुक को डाल दो, सिर्फ डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ऐसे रेस्ट करेगा, ऐसे रेस्ट करेगा मतलब नीचे के पार्ट में थोड़ा सा गैप बने रहेगा एंड ऊपर में कॉन्टैक्ट बनेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर से आएगा, समझ आ रही है आपको। बट अगर मैंने इसको एक प्रोजेक्ट करके एक वेलोसिटी भी दे दिया है, तो डायग्राम में जैसे दिख रहा है कि सेंटर इस तरफ है, तो ऑब्वियसली उसको सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन उसको कौन देगा, नॉर्मल रिएक्शन ही तो देगा। अब नॉर्मल रिएक्शन देगा इसका मतलब कॉन्टैक्ट सिर्फ यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे भी आपका एक कॉन्टैक्ट बनेगा, देयर विल बी अ कॉन्टैक्ट ओवर हियर आल्सो, तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट बनना है और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट बनना है, तो दोनों दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट बेसिकली यू नो एक कॉन्टैक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जब इस हुप का आप ओरिएंटेशन दिखाओगे, तो ये हुप की ओरिएंटेशन कुछ ऐसी दिखनी है आपको, थोड़ा ये एग्जैजरेटेड हो जा रहा है, ये ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो इसमें ही अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो सेंटर कहीं यहाँ पे है, ये हमारा हुप है, ध्यान रखना दिस इज हुप और सेंटर कहीं यहाँ पे है, दिस इज द सेंटर, ये सेंटर सी है, ठीक है,
तो ऑब्वियस है ना, इसको एक सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन चाहिए, राइट? एंड ये एक्सेलरेशन कितने की चाहिए उसको? वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस आपको दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है, तो स्मॉल आर वी नॉट स्क्वायर बाय आर का रेडियस सेंटर की तरफ, तो उसको एक्सेलरेशन चाहिए ही। तो इस केस में आप देखो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सर्फेस रिजल्टेंट, जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन को एन कह लेते हैं। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, इसको एन एक्स कह लेते हैं, और एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी है, इसको एन वाई कह लेते हैं, ठीक है? और एक एम जी है। तो एन वाई जो है वो आपकी एम जी को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वर्टिकली तो ये एक्सेलरेटेड नहीं है, वर्टिकली ऊपर नीचे नहीं कर रही है, वर्टिकली उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एन वाई जो होगा वो क्या, एम जी से बैलेंस होगा। बट एन एक्स जो होगा वो क्या करेगा, उसको सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। सो एन एक्स जो होगी वो उसको सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, मतलब एम इंटू वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आएगी, राइट? तो इसका मतलब रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन जो है, रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन दैट इज रूट अंडर ऑफ एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं आप एम जी का स्क्वायर एन प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, एंड इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई है। एंड आपको पता है फ्रिक्शन की जो काइनेटिक वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे ही डिपेंड करती है। तो इसमें जो फ्रिक्शन आप दिखाओगे यहाँ पे, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप फ्रिक्शन दिखाएंगे इसके वॉल्स पे, तो ये आपकी फ्रिक्शन जो होगी वो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड्स लगेगी, एंड दैट बैकवर्ड्स फ्रिक्शन विल बी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। एंड नॉर्मल रिएक्शन जो है वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन आई है, ठीक है? वो एम जी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर आप दिखाते हो अगर इस पे, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, एंड इसी की वजह से यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स आएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स आएगी। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आ रही थी, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जो थी, ठीक है, जो कि v नॉट स्क्वायर बाय r था, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वजह से आ रही है। सो देयरफॉर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास करेंगे, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज रूट अंडर ऑफ एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मास कर लेंगे। तो यहाँ से मास कैंसिल हो, एंड यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मिल गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी म्यू टाइम्स ऑफ रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय आर एंड इसका होल स्क्वायर, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वही हमें निकालने के लिए उन्होंने बोला था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास 1 केजी एंड 2 केजी रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली, बोथ द ब्लॉक्स आर रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड द पुली इज हेल्ड सच दैट स्ट्रिंग रिमेन्स जस्ट टॉट, ठीक है? एट टी इक्वल टू जीरो अ फोर्स एफ इक्वल टू 20 न्यूटन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द पुली, along vertically upward direction as shown in the figure. Calculate velocity of A when B loses contact and vertical displacement of pulley up to that instant. ठीक है? तो इतना तो पक्का है कि जब अगर मैं थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन शो करूं, जब B तो बाद में कॉन्टैक्ट लूज करेगा, A तो पहले ही लूज कर जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन शो करते हैं तो कुछ ऐसा होगा हमारे पास सिनारियो, ये हवा में ऑलरेडी होगा और ये कॉन्टैक्ट लूज करने वाला होगा, रादर दिस इज 2 केजी दिस इज 1 केजी, ठीक है? यहां से आप एक फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें इस सेंस पुली मासलेस है, तो पुली मासलेस पुली पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इधर से आपकी एफ बाई टू एंड इधर से एफ बाई टू का टेंशन जनरेट होगा, तो यही एफ बाई टू पुलिंग फोर्स यहां पे भी आएगी, एफ बाई टू यही पुलिंग फोर्स एफ बाई टू यहां पे भी आएगी, ठीक है? तो इतना तो पक्का है कि अगर मुझे ब्लॉक 2 केजी को लिफ्ट कराना है, For 2 kg block to leave contact, condition क्या है, F by 2 should be greater than 2g, यहाँ पे देखो 2g का नीचे का pull है, तो जब तक F by 2 2g से बड़ा नहीं होगा तब तक contact break नहीं कर सकता, तो F by 2 कितना हो जाएगा 20t by 2 मतलब 10t, तो 10t की value should be greater than or equal to 2g, ठीक है? जब equality लेंगे तो just lose करेगा वहाँ पे contact, तो यहां से t की वैल्यू क्लियरली आपको दिख रही है, ये 10 ये g कैंसिल आउट हो जाएगा, t शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रही है, तो 2 सेकंड पे वो कांटेक्ट लूज करेगा दो ब्लॉक, 2 kg वाला ब्लॉक, तो जो भी कैलकुलेशंस आपको करने हैं वो सारे आपको 2 सेकंड पे ही करनी है, ठीक है? फिर अच्छा ब्लॉक 1 kg जो है उसने कब कांटेक्ट लूज किया था ये पहले निकालो, फॉर 1 kg ब्लॉक टू लीव कांटेक्ट, उसको अगर कॉन्टैक्ट लीव कराना था तो क्या करना था आपको, सोचो फिर से यही
यहाँ पे टेंशन आपकी 10T है, 10T ऊपर की तरफ, एंड यहाँ पे 1G नीचे की तरफ थी। तो अगर 10T 1G से बड़ा हो गया, 10T ग्रेटर देन और इक्वल टू 1G चाहिए था, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ से आपको मिल रही टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब हमें जो मोशन कंसिडर करना है, वी कंसिडर मोशन ऑफ 1 kg ब्लॉक इन टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। तो इस ड्यूरेशन में ही बेसिकली आपको मोशन कंसिडर करना है। अब वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी लूजेस कॉन्टैक्ट, मतलब 2 सेकंड पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ये 1 kg वाला ब्लॉक, इस पे इधर से 1G लग रही है और इधर से 10T लग रही है, ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है, मान लेते हैं A1 लिख लेते हैं। तो ये A1 की वैल्यू कितनी होगी, 10T माइनस ऑफ जी एंड दिस डिवाइडेड बाई 1, मतलब ये 10 टाइम्स ऑफ टी माइनस ऑफ 1 आ रही है, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो, दिस इज dv1 डिवाइडेड बाई dt, वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ हम मान लेते हैं, दिस हैज अ वेलोसिटी ऑफ v1 अपवर्ड्स, सो देयरफॉर dv1 की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो दैट विल बी 10 टाइम्स ऑफ टी dt एंड माइनस ऑफ dt, ठीक है। एंड इसी को इंटीग्रेट कर लो आप 0 से लेके v तक, एंड टाइम का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसमें थोड़ी सी कॉशियस रहेगा, क्योंकि टाइम की इंटीग्रेशन में 0 नहीं आएगा, 1 से लेके t तक आएगा, ठीक है, दिस विल बी 1 टू t। तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप यहाँ पे, v1, सो ये v1 विल बी 10 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस ऑफ टी, सॉरी टी माइनस 1, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ माइनस टी एंड प्लस 1, सो दिस बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ से 5 लिख सकते हैं, so this is 5। तो ये आपको वेलोसिटी v1 मिल चुकी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर v1 चाहिए आपको किस टाइम पे, 2 सेकंड पे चाहिए, तो वेलोसिटी v1 एट 2 सेकंड्स, दैट विल बी 5 इंटू 2 2s are 4, 2 माइनस 2 इंटू 2 एंड प्लस 1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये 5 m/s आ रही है। तो इसका मतलब पहले पार्ट का आंसर आपका 5 m/s होगा। सेकेंड पार्ट पे करें, सेकेंड पार्ट में उसने पूछा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, अच्छा पुली का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, पुली का डिस्प्लेसमेंट तो हम कंस्टेंट से निकाल लेंगे। अगर इसकी एक्सेलरेशन सोचो वीपी, अगर मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली वीपी है और ये एक्सेलरेशन a1 है, तो कंस्टेंट रिलेशन क्या होगा, टेंशन के कोएफिशिएंट वाले मेथड से कर सकते हैं, या फिर ये भी देख सकते हैं, पुली जब ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये कंस्टेंट रिलेशन में आपने पढ़ा होगा, यहां से यहां तक का ये 2 एंड पे आपको इलोंगेशन दिखेगा, जबकि ब्लॉक अगर इधर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस एंड पे आपको कंप्रेशन दिखेगा, और आपको पता है स्ट्रिंग ना तो इलोंगेट कर सकती है ना तो कंप्रेस कर सकती है। इसका मतलब कंस्टेंट रिलेशन ये होगा कि ट्वाइस ऑफ वीपी शुड बी इक्वल टू अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी लिखा था मैंने, तो ये वेलोसिटी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे भी ये v1 लिख लेते हैं, जितनी ब्लॉक 1 kg की डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी आधी पुली की डिस्प्लेसमेंट होगी, तो पहले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, फिर उसका आधा कर देंगे तो पुली का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही काम कर लेते हैं, सो वी ऑलरेडी निकाल चुके थे हम, तो v1 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे dx1 by dt, एंड इससे हम निकालेंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी, जो dx1 का इंटीग्रेशन होगा, x1 विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx1 एंड दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t2 dt 1 से लेके 2 तक माइनस ऑफ 2t dt इंटीग्रेशन में 1 से 2 तक एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt 1 से लेके 2 तक, सो दिस बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ, दिस इज t³/3, मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 1 इज 7, 7/3 एंड माइनस ऑफ 2 t²/2 का 2 कट जाएगा, तो 2 to the 4 माइनस 1 मतलब 3 आएगा एंड प्लस 2 माइनस 1 विच इज 1 आएगा। तो यहाँ पे आ रही है आपके पास 5 टाइम्स ऑफ, ये तो हो गया 2 बचेगा
3 to the 6, so ये 1/3 आ रही है, 1/3, so ये 5/3 meter आ रही है, 5/3 meter की displacement आ रही है, so therefore displacement of pulley अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, वो displacement of block x1 divided by 2 आएगा constraint से, and that becomes 5/6 meters, that will be the final answer, ठीक है? ये fourth question हो गया हमारा, अब ये सबसे interesting question पे आते हैं, ठीक है? ये last का सबसे interesting question है. A particle when released from rest moves down with a uniform velocity v0 in y direction of an inclined plane of angle of inclination theta. ठीक है? कोई गालो? If the particle is projected horizontally in x direction with the same speed v0 on inclined plane, with some speed होगा, same नहीं होगा, some. With some speed v0 on the inclined plane, find the direction of friction between the particle and the inclined plane, between the particle and the velocity, बोल रहे हैं, between the velocity and the inclined plane, when the speed of the particle will be 3 v0/4 and v0/2, and describe the nature of motion and plot the velocity phi graph, बोला उसने, ठीक है. सबसे पहली चीज ये है कि friction हमेशा वो direction of motion के क्या होती है, opposite लगती है. तो जैसे इस diagram में अगर मैंने ये situation दिखा रखा है, तो इसमें friction जो होगा वो आपका इस direction में आएगा, ठीक है? ये kinetic friction होगा, this will be kinetic friction, and down the incline जो force लगेगी वो कौन सी होगी, mg cos of theta, sorry mg sin theta लगेगी, mg sin theta force लग रही होगी down the incline, and बाकी जो forces हैं normal reaction mg cos theta, उससे आपको ये पता है normal reaction will be perpendicular to the surface of the incline, and वो normal reaction आपकी mg cos theta से आपकी balanced होगी, ठीक है? फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होती है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू को आप शोर पे लिख सकते हैं कि म्यू टाइम्स ऑफ mg cos theta आएगी, ठीक है? सो दिस फ्रिक्शन विल बी म्यू टाइम्स ऑफ mg cos theta. अब म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई थी उसने, देखो कहां गया, पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी इतना, इसमें एक डेटा मिसिंग है, म्यू का वैल्यू मिसिंग है, इसमें म्यू की वैल्यू मिसिंग है, म्यू की वैल्यू जो है इसमें, इसमें म्यू का वैल्यू गिवन है, म्यू की जो वैल्यू है वो टैन थीटा है, ठीक है? ये गिवन डेटा है, ठीक है? ये डेटा यहाँ पे लिखना मिस आउट हो गया, म्यू की वैल्यू यहाँ पे टैन थीटा है, तो म्यू की वैल्यू को अगर टैन थीटा आप सब्स्टिट्यूट करते हो, इंटरेस्टिंगली देखो यहाँ पे म्यू की वैल्यू को अगर टैन थीटा सब्स्टिट्यूट की जाए, तो ये एग्जैक्टली mg sin थीटा आ रही है, एग्जैक्टली mg sin थीटा आ रही है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो आपकी mg sin थीटा के इक्वल है, ठीक है? अब अगर हम दो चीजें करते हैं, देखो एक है टेंजेंशियल डायरेक्शन, देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट लेता हूँ mg sin थीटा का, ये देखो mg sin थीटा का कंपोनेंट लिया जाए, तो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगी mg sin थीटा into cos of phi मिलेगी, ठीक है? आप इसका आराम से कंपोनेंट ले सकते हैं, अगर कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि कंपोनेंट का कंपोनेंट सर आपने सिखाया था नहीं लेते हैं, जैसे मैंने एक चीज बोली है कि कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं लेते हैं, बट मैंने एक चीज और भी बोली थी, कंपोनेंट का कंपोनेंट अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो बाकी सारे कंपोनेंट का भी कंपोनेंट कंसिडर करना, मतलब जैसे mg sin थीटा का कंपोनेंट कंसिडर किया है, तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा mg cos थीटा, उसका भी कंपोनेंट कंसिडर करना, बट फॉर्चुनेटली mg cos थीटा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सर्फेस है, मतलब ये इंक्लाइन सर्फेस है तो इसके परपेंडिकुलर इस सेक्शन में, तो इस mg cos थीटा वाला कंपोनेंट का पैरेलल टू इंक्लाइन कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, ठीक है? तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, ठीक है? सो आई एम टेकिंग दिस कंपोनेंट, क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझ आएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा मैं आपको. तो इस केस में अगर मैं इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करता हूं, इफ आई एम राइटिंग दिस एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो कितनी लिखोगे आप, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी mg sin थीटा इनटू cos ऑफ phi एंड माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन व्हिच इज फ्रिक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, अच्छा ठीक है एक स्टेप बढ़ा देते हैं एंड डिवाइड बाय मास कर लेंगे, ठीक है? और इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को mg sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो तो यार ये g sin थीटा इनटू cos ऑफ phi माइनस ऑफ 1 आ रही है, सो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. दूसरा एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करो, अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अगर उसका कंपोनेंट लेता अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, अलोंग द वाई एक्सिस, तो वो कंपोनेंट को आप कितना लिखते, देखो ये एंगल भी आपकी फाई है, तो इस तरफ का कंपोनेंट कितना हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन
एंड यहाँ पे कॉस ऑफ फाइव आ जाती है, राइट। अब अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉस ऑफ फाइव यहाँ पे किया आपने, तो यहाँ पे अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आप नेट फोर्स देखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस देख रहे हैं, तो कितनी आएगी, एम जी साइन थीटा एंड माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू कॉस फाइव एंड डिवाइड बाय मास करेंगे, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अगेन एम जी साइन थीटा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, जी साइन थीटा इंटू वन माइनस ऑफ कॉस फाइव आ रही है। क्या आपको कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिख रही है? इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से मैच करता है, राइट। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव है ये तो पक्का है, क्योंकि स्पीड घट रही है, देखो, क्योंकि cos phi जो है वो 1 से छोटा होगा, तो cos phi से जब आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है वो ऑपोजिट टू वेलोसिटी होगी, मतलब वो स्पीड घटाने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को स्पीड के टर्म से लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ कैसे लिखते हैं, dv by dt लिखते हैं, एंड सॉरी जस्ट अ सेकंड, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv by dt लिखते हैं, एंड यहाँ पे नेगेटिव में एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी लिखते हैं। अब यहाँ से अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वेरिएबल्स में डी टी को एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल रही है डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी वाई आ रही है। अब इसके इंटीग्रेशन के आप लिमिट्स बस आप चेंज करते चले जाओ, ठीक है, इंटीग्रेशन के बस लिमिट्स चेंज करते चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, पहले पार्ट में उसने बोला है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड इंक्लाइन प्लेन when the speed of the particle will be 3 v0 by 4, speed जब 3 v0 by 4 हो रही है तब के लिए direction of you know friction बतानी है, तो मतलब phi basically निकालने का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, तो integration में हम यहाँ पे पहले part पे कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे initially v की value कितनी थी, याद करो ये v0 थी, and बाद की जो होगी उसको v मान लेते हैं, ठीक है, एंड y direction में initial velocity कितनी थी, देखो initially तो x axis के लिए हम project किया था, मतलब y direction में कोई velocity थी नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे इनिशियल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को जीरो लिखेंगे, एंड बाद का जो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी उसको कैसे लिखेंगे, v cos phi लिखेंगे। देखो डायग्राम में चेक करो, v cos phi इज द वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा v cos ऑफ phi आ जाना है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा v माइनस ऑफ v नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v cos ऑफ phi आ जाएगा। सो यहाँ से आपको मिल जा रही है कि v की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी v नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ phi आ रही है। तो अब अकॉर्डिंगली हम यहाँ से v की वैल्यू, जैसे जैसे वेलोसिटी को हमने एज अ फंक्शन ऑफ फाई निकाल लिया, मतलब अगर एंगल पता होगा तो v भी निकाल सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप, मतलब फाई को निकाल सकते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ v। तो अगर मैं यहाँ पे cos phi चाहिए था, अपने को cos phi चाहिए था, तो cos phi को अपन लिख सकते थे यहाँ से दिस विल बी v नॉट माइनस v एंड डिवाइडेड बाई v लिख सकते थे, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट कहाँ से निकालें, तो पहले पार्ट में उसने बोला था क्या क्या, पार्ट ए का पहला पार्ट है 3v0 by 4 जब स्पीड हो गई है, एंड दूसरा पार्ट है v0 by 2, तो ये a का वन कर रहे हैं, ठीक है, a का वन, तो a का वन में v का वैल्यू इज 3v0 by 4, तो सब्स्टिट्यूट कर दें तो cos of phi मिल जाएगी अपने को v0 minus of 3v0 by 4 and divided by this is again v which is 3v0 by 4, so यार ये 1 minus 3 4th is 1 4th, 1 4th by 3 4th, मतलब 1 3rd आ जाएगी, इसका मतलब cos phi की वैल्यू 1 3rd आएगी। a का पार्ट 2 करें अभी, a के पार्ट 2 के लिए v की वैल्यू दे रखी है v0 by 2, तो यहां से cos phi की वैल्यू अगर निकालोगे आप तो आएगा v0 minus of v0 by 2 divided by v0 by 2, मतलब ये हाफ आ रही है, तो यहां से phi की वैल्यू 60 डिग्री क्लियरली दिख रही है आपको, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, नेचर ऑफ मोशन मतलब क्या है, देखो जैसे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, तो स्पीड की वैल्यू धीरे धीरे की जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, स्पीड को वो घटाता चला जाएगा, राइट, स्पीड घटती चली जाएगी, स्पीड घटती जाएगी। अगर आप इंडिविजुअली अगर देखोगे इसमें, जैसे अगर मैं इसमें एक्स एक्सिस के तरफ अगर मोशन कंसिडर करता, तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट आता, काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू साइन फाइव आता, ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो एक्स एक्सिस के अलावा का कंपोनेंट है, देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, जबकि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ है, इसका मतलब ये डिसलरेटिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी क्योंकि उसको बढ़ाने वाला कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एंड वाई डायरेक्शन का जो कॉम्पोनेंट है वो वेलोसिटी का बढ़ते जा रहा है, किसकी वजह से, एम जी साइन थीटा की वजह से। एफ के कॉस फाइव जो हमने निकाला था वो याद करो, वो एफ के खुद ही एम जी साइन थीटा था, एंड एम जी साइन थीटा से जब आपने कॉस फाइव का फैक्टर को मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली वो वाला वैल्यू एम जी साइन थीटा से छोटा हो चुका है,
तो वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार उसी डायरेक्शन में उसको मिलता रहेगा, तो इसीलिए वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एंड एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी घटती चली जाएगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और उस समय जो वेलोसिटी होगी वो पूरी की पूरी वाई डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगी, एंड वाई डायरेक्शन के पैरेलल अगर वेलोसिटी हो चुकी तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, बिल्कुल वाई डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर जो वेलोसिटी होगी, उसके बाद जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी में अगर आप देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि एम जी साइन थीटा और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वाई एक्सिस का कॉम्पोनेंट है वो काइनेटिक फ्रिक्शन तो एकदम बिल्कुल वाई एक्सिस के अलोंग ही लगेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी वाई एक्सिस के तरफ हो चुकी थी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में कॉस फाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फाई जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो एम जी साइन थीटा, डाउनवर्ड पुल इज ऑल्सो एम जी साइन थीटा, तो वो दोनों आपस में बैलेंस हो गए, इसका मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब फाइनली वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। आपको ये पूछते भी हैं कि बताओ ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, व्हेन व्हाट इज दिस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दैट द पार्टिकल विल मूव विद फाइनली, तो ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइव की वैल्यू को जीरो करके आंसर निकाल सकते हैं, फाइव जब जीरो हो जाएगा तब अकॉर्डिंगली वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा, तो फाइव की वैल्यू को अगर जीरो डाल दें तो फाइव की वैल्यू जीरो डालने से कॉस फाइव की वैल्यू जीरो डालें तो वी नॉट बाई वन प्लस वन टू हो जाएगा, इसका मतलब फाइनली स्टेडी स्टेट वेलोसिटी कितनी जाएगी आपकी, वी नॉट बाई टू हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट के लिए जो पार्ट बी है, बेसिकली पार्ट बी में उसने बोला था डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो नेचर ऑफ मोशन में क्या बोलेंगे हम, पार्टिकल पार्टिकल्स स्पीड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली टिल इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बिकम्स पैरेलल to y-axis, direction of motion becomes parallel to y-axis, after which there will be no acceleration, after which there will be no acceleration, and after which there will be no acceleration, and hence velocity becomes constant. becomes constant. Velocity का x component decreased continuously and velocity का y component increased continuously. But this was till phi became zero. And therefore, finally steady state velocity. Velocity VSS लिख सकते हैं इसको, will be velocity along y-axis and that will be V naught divided by 1 plus cos of 0 degree and that will be V naught by 2. आपको अगर steady state velocity पूछते तो ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर मान लो कि constant velocity उस object के पास आनी है तो constant velocity आने का मतलब है कि net force zero होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो तो तभी होगा ना जब mg sin theta वो कैंसिल करेगा, तो इसका मतलब यहीं से समझ आना चाहिए था कि mg sin theta अगर डाउन द इंक्लाइन लग रही है तो फ्रिक्शन को अप द इंक्लाइन लगना पड़ेगा, एंड अप द इंक्लाइन अगर लग रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन वेलोसिटी किस तरफ होगी, डाउन द इंक्लाइन होगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा क्या होगी, वेलोसिटी का अपोजिट होगी, तो यहीं से आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन, तो हमने फाइनल स्टेडी स्टेट वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली, वी नॉट बाय टू आएगी। उसके बाद उसने पूछा प्लॉट द v वर्सेस phi ग्राफ, तो ये v और phi का तो रिलेशन ऑलरेडी आपने निकाल रखा है थर्ड वाले पार्ट के लिए, v जो हमने निकाला है दैट इज v नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ phi है, राइट। तो इस केस में आपको वैल्यू कैसे दिखनी है, आपको phi की वैल्यू तो आपकी कैसे कैसे चेंज की है ये चेक कर लो एक बार, phi की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, अब चेक करो वर्टिकल लाइन के साथ वेलोसिटी का इनिशियली एंगल कितना था, वो एंगल pi बाय 2 था, ये चेक करो, ये एंगल pi बाय 2 था, दिख रही है आपको, ये वाली एंगल phi थी, वेलोसिटी एंड जो डॉटेड लाइन है उनके बीच का एंगल बात कर रहे हैं, इनिशियली कितना था, वो कितना था आपका, पहले आपका 90 डिग्री था, एंड 90 डिग्री में कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री में कॉस की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो वी नॉट से स्टार्ट किया वी की वैल्यू, एंड जैसे जैसे फाई की वैल्यू आपकी जीरो डिग्री तक बढ़ी तो उसके बाद फिर वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई है, यहाँ पे वी ले रहे हैं एंड यहाँ पे फाई ले रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में ही प्लॉट करना है, सो दिस इज पाई बाई टू
पाई बाई टू पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी, ये आपका v नॉट था, दिस वाज v नॉट, एंड जैसे जैसे एंगल घटती गई वेलोसिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, सॉरी एंगल cos phi में phi की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब cos phi का वैल्यू इंक्रीज करेगा, therefore 1 plus cos phi भी आपका इंक्रीज करेगा, एंड therefore v की वैल्यू जो कि आपकी 1 by 1 plus cos phi पे डिपेंडेंट है, ये वाली वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है? तो v नॉट से स्टार्ट करना है एंड डिक्रीज करके इसको v by 2 पे लेके जाना है, ठीक है? तो v इससे स्टार्ट करेंगे एंड फिर इसको हम v by 2 पे लेके जाएंगे. ये आपकी v by 2 होनी चाहिए, v नॉट by 2, सॉरी v नॉट by 2 आपका यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? ओके okay. अच्छा एक मिनट, इसमें नेचर ऑफ जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये नेचर ऑफ ग्राफ की बात करें तो जैसे इसमें कंकेविटी अपवर्ड दिखाना है या डाउनवर्ड दिखाना है, ये हम तुरंत डिसाइड कर सकते हैं. ये एक मिनट इसको हटाता हूँ, ये शायद मैंने गलत किया हो, एक बार चेक करते हैं. जैसे कंकेविटी जब भी डिसाइड करना होता है तो आप क्या करते हैं, जैसे पॉसिबिलिटीज क्या होते हैं कि जैसे अगर मान लो कि अपवर्ड कंकेविटी वाला ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं या फिर आप डाउनवर्ड कंकेविटी वाली ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. अगर अपवर्ड कंकेविटी वाली ग्राफ है इसका मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव जो आप निकालते हैं d2y by dx2, तो ये क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए. बट अगर आप डाउनवर्ड कंकेविटी वाली ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें d2y by dx2 आपकी क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए. तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के आप पता कर सकते हैं कि यू नो साइन देख के कि वो क्वांटिटी में मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ में स्लोप इंक्रीजिंग वाला केस है या स्लोप डिक्रीजिंग वाला केस है. तो ये कर लेते हैं एक बारी. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वाई एक्सिस में वी है, एक्स एक्सिस में फाई है, तो पहले डी वी बाई डी फाई निकाल लेते हैं, ठीक है? तो डी वी बाई डी फाई अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई ये वन बाई वन प्लस कॉस फाई है, तो ये हो जाएगा चेन रूल लगा लें तो माइनस ऑफ वन बाई एन एक्स टू द पावर माइनस वन, तो यहाँ से माइनस ऑफ वन प्लस कॉस फाई एंड इसका स्क्वायर एंड फिर वन प्लस कॉस फाई का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा जीरो एंड कॉस फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन फाई आ जाएगा. तो यहाँ पे आ रही है प्लस आ रही है, तो प्लस ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर से लिख सकते हैं कोसेक फाई एंड प्लस कॉट ऑफ फाई आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो क्लियरली आपका जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव है, बट अभी सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं एक बार. तो डी टू वी बाई डी फाई टू निकाल रहे हैं, ठीक है? तो फिर से वही क्वांटिटी आ जाएगा वी नॉट इन टू, अब ये फिर से चेन रूल लगाएंगे तो माइनस ऑफ यहाँ पे हो जाएगा कोसेक फाई प्लस कॉट फाई. अच्छा यहाँ पे जैसे सेकंड में रुकिए, यहाँ पे एक चीज मैंने गड़बड़ करी है. अच्छा डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर था ना, एक मिनट जैसे से इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको साइन फाई कर देते हैं, दिस इज साइन फाई एंड यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज वन प्लस cos phi का स्क्वायर करने देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अभी फिर से वापस से डिफरेंशिएशन करूँ तो v माइनस ऑफ v नॉट sin phi एंड यहाँ पे 1 प्लस cos phi का होल क्यूब आ जाना है एंड फिर यहाँ पे cos phi का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin phi आ जाएगा, ठीक है? फिर प्लस इसको लिख सकते हैं v नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos phi एंड इसका होल स्क्वायर एंड साइन फाई का डिफरेंशिएशन विल बी कॉस ऑफ फाई, तो आ जाएगा. एंड क्लियरली दिख रहा है कि दिस क्वांटिटी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब कनकेविटी अपवर्ड्स होना चाहिए, कनकेविटी अपवर्ड्स लाई करना चाहिए, कनकेविटी विल बी अपवर्ड्स. तो अपवर्ड्स कनकेविटी का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एज यू मूव फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू एंड जीरो पे वैल्यू कितनी थी वी नॉट बाई टू, तो यहाँ पे वी नॉट बाई टू बिठा देंगे एंड यहाँ पे अपवर्ड कनकेविटी का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो दिस विल बी द ग्राफ, ऐसी आएगी आपकी कुछ ऐसा, ठीक है? सो ये आपकी वेलोसिटी की वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ फाइव भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है?